पहला मौका है जब खालिस्तान संगठन ने धमकी दी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कनाडा के पीएम ट्रूडो के भारत दौरे के दौरान ये धमकी दी गई है। G20 में शामिल होने के लिए ट्रूडो भारत आए हुए थे और उनका विमान खराब होने की वजह से वो इस वक्त भी यहीं रुके हुए हैं। हालांकि इस मसले पर पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत के दौरान इस पे स्टैंड क्लियर करने को कहा गया कि खालिस्तान मूवमेंट जो है, जिसको बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा इस देश पे, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है। लेकिन अभी जब तक वो यहीं पे हैं, तब तक ये बयानबाजी, वहां से खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर जो तमाम गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। कनाडा से खालिस्तान की फिर धमकी, 48 घंटे में ये दूसरी दफा धमकी दी जा रही है और ऐसे वक्त में धमकी दी जा रही है जब वहां के राष्ट्राध्यक्ष अभी दिल्ली में मौजूद है। से कई देशों को चपेट में ले लिया, जिनमें लीबिया भी शामिल हो गया, जहां ग्रीस और बल्गेरिया जैसी ही तबाही हुई, क्योंकि डैनियल तूफान तुर्की, बल्गेरिया और ग्रीस से होते हुए लीबिया पहुंचा और वहां के बेंगाजी शहर में 50 से 250 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई। डैनियल तूफान आयोनियन सागर में लो प्रेशर सिस्टम बनने की वजह से आया और आयोनियन सागर भूमध्य सागर का हिस्सा है। जहां उठे इस खतरनाक तूफान ने उन देशों में आसमानी आफत ला दी जहां आमतौर पर इतनी बारिश नहीं होती। उधर मोरक्को में आए भूकंप के बाद वहां के कई डराने वाली तस्वीरें अब सामने आई हैं, जिनमें हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। वहां आए शक्तिशाली भूकंप ने कई इलाकों का नामो निशान मिटा दिया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित कैंपों में शिफ्ट किया गया। वहां से आई तस्वीरों में मलबे का पहाड़ दिखाई दिया। वहां मौजूद सैकड़ों घर भूकंप के तेज झटकों की वजह से जमींदोज हो गए। ऐसे में किसी घर का सिर्फ दरवाजा नजर आया तो किसी के घर का सामान बिखरा पड़ा दिखाई दिया, जिसके बीच कुछ लोग अपना बचा हुआ सामान इकट्ठा करते नजर आए। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि भूकंप की वजह से जैसे ही उनके घर हिलने लगे, वो जान बचाकर वहां से भाग निकले, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित कैंपों में भेज दिया गया। WHO के मुताबिक भूकंप की वजह से मां 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। INDIA गठबंधन में PM पद पर JDU ने एक बार फिर से अपना दावा ठोक दिया है। KC त्यागी के बाद नीतीश के सबसे करीबी नेता और सांसद राजवीर रंजन उर्फ ललन सिंह ने नीतीश को PM पद का सबसे काबिल उम्मीदवार बता दिया और कहा कि नीतीश कुमार पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए खड़े हैं। आप सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है, जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। ललन सिंह के इस बयान के बाद INDIA गठबंधन में एक बार फिर PM पद पर बाकी दलों की दावेदारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। चंद्रयान से चांद को छूने और सूरज की तपिश को नापने के लिए आदित्य L1 को भेजने के बाद अब भारत समंदर में गहराइयों के छिपे रहस्यों को उजागर करने का मिशन शुरू करने वाला है।